सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं एक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सब बच्चों का। और बताइए बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक, होपफुली मौसम का मजा ले रहे होंगे सारे के सारे, है ना भैया? चलो और बताइए क्या चल रहा, तैयारी कुछ है ट्रैक पे, कुछ ऑफ ट्रैक है? चलो जिसकी भी तैयारी ऑफ ट्रैक पे भैया ट्रैक पे लाइए। अभी 2 महीने हैं हमारे पास, क्योंकि देखो मई और जून दो तो हैं ही तकरीबन प्री के लिए, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3-4 महीनों में ना अपने लगातार एग्ज़ाम है। पहले आपका मेन जो प्री होगा, ठीक है, उसके दौरान आपका, उसके बाद CHSL, MTS और आपका CPO भी पेंडिंग है। तो SSC ने कैलेंडर पहले बता दिया है, तो साथ के साथ उसको रखिए और चलते चलिए। तो बच्चों 2-3 चीज़ें जो बड़ी आपने ध्यान से सुननी है आज मेरी, ठीक है। एक तो मैं आपका डर निकालना चाह रहा हूँ। देखो ये पेपर कोई बहुत पुराना नहीं है ये है आपका SSC मेंस 18 नवंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने पिछली क्लास में किया था, अगर किसी ने ना देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, ठीक है। की बात दूसरी बात, मेरा कराने का मेन मोटो ये है कि आप लोगों के दिल से मेंस का डर निकल जाए, बिकॉज 50-60% बच्चे तो इसी ढोंग खौफ में रहते हैं, हाय प्री हो जाएगा, मेंस कैसे करेंगे। भैया कुछ मुश्किल नहीं आज के टाइम में, अगर आपने प्री को अच्छे से कर लिया ना तो डेफिनेटली मेंस आप उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से निकालोगे, मुझे कन्फर्म है। बिकॉज मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे प्री में बाउंड्री में पास हो रखे और मेंस में धमाका उठा रखा, समझ रहे। तो चीज़ों को यार बिल्ट आउट किया जाता है, चीज़ों को समझा जाता है, चीज़ों को किया जाता है ऐसे नहीं है कि कुछ भी मैंने चला और इनिशिएटिव लिया और मैंने कर दिया, ऐसे नहीं कुछ भी होता। होगा कब? जब आप भार उठाने की आदत डालोगे, इन द सेंस एक लॉजिकल तरीके से चलोगे और सॉलिड रहोगे। एक भी मोर्चे पे मुझे नेगेटिव नहीं होना कि यार ये हो रहा है ये नहीं हो रहा, हर पोर्शन को बराबर। जैसे मैं जिम करता हूँ ना, तो जिम में एक दिन शोल्डर हो गया, बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, सारी चीज़ें ना लेग्स भी करेंगे, क्योंकि अगर एक भी चीज़ वीक रहेगी ना फिर बॉडी स्टेबल नहीं लगती। इसी तरीके से अगर आपने एक भी चीज़ को छोड़ दिया ना, कोई भी पार्ट हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका साइंस, कुछ भी हो भाई, एक एक पॉइंट को पर्टिकुलरली करना है, जब जाके सफलता मिलेगी। सफलता की सीढ़ी आसान नहीं है बट चढ़नी बहुत आसान है। डे बाय डे इंप्रूवमेंट इज द मोटो ऑफ दैट पार्ट, इज ए क्लियर? मोटो ऑफ दैट सर्कल किसका? सिलेक्शन का। चलिए बातें आ जाइए, स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चंस को। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, देखो। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को अगर मैं प्री का ना बोलूँ तो क्या बोलूँ इसे मैं? देखो ये मेंस का क्वेश्चन आपका, अगर इसको मैं प्री का क्वेश्चन ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? देखो कॉस थीटा कितना दिया होगा, पाँच बटे तेरह। कॉस थीटा कितना? 5/13। देखो मेरी बात सुनो, कॉस थीटा क्या होता है मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैंने ये बोला ये 90 डिग्री होता है, बेस अगर 5 है ये 13 है तो डेफिनेटली 12 होगा, क्योंकि 144 + 25 = 169 विच इज स्क्वायर ऑफ 13, क्लियर। सो मेरे पास बेस कितना आ गया, बेस है 5, हाइपोटेन्यूस 13 और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? बट शायद इसकी ज़रूरत भी ना पड़े मेरे पास, देख लेते हैं। देखो टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका होल स्क्वायर। और सेकंड थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। समझ आ गई बात, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बिकॉज सेकंड क्या होता है 1/cos, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस जाएगा ऊपर, बेस रहेगा नीचे। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 12 स्क्वायर अपॉन बेस कितना है भाई? 5 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस कितना है मेरे पास? 13 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो 144 + 169 अपॉन 25, तो 300, 313/25 313/25 हजार मुझे 303। सो 313/25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर? दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? हाउ विल यू डिफाइन दिस क्वेश्चन? इजी है बच्चों, इजी है। अच्छा ऑप्शन दिख नहीं रहा, चौथा 0, 1/2, 5/1, बताओ कितना आंसर है इसका? 0, 1/2, 5/1। चलो बेटा देखिए जरा, देखो सिंपल सी बात है, मुझे कुछ भी नहीं करना। द क्वेश्चन इज सेइंग साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालना चाहूं तो साइन थीटा क्या होगा मेरे पास, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इज दैट क्लियर। सो अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे पास, सिंपल सिंपल आइडेंटिटी यूज बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो मैं नहीं चाहता फालतू में तुम थीटा थूटा पुट करके कुछ अपना टाइम वेस्ट करो, जिस क्वेश्चन को लॉजिकली इजीली किया जा सकता है ना उसको मैं इजीली बताऊंगा, क्योंकि बड़े सारे इसके वो हैं कि थीटा पुट कर लो, क्यों यार क्यों ये क्वेश्चन को चार बार सॉल्व करूँ मैं जब मेरे को डायरेक्ट आइडेंटिटी पता चल रही है, तो समझ आ गई बात। तो प्लीज़ कुछ देखिए, और ऐसी डायरेक्ट चीज़ें जो आपको अगर आपको पता करनी है ना कुछ माइक्रो कोर्सेज के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, समझ आ गई बात। मैं नहीं कह रहा खरीदो, आई एम नॉट हेयर टू सेल एनीथिंग ओवर हियर, मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए नॉलेज देने के लिए बुलाया गया मेरे को यहाँ, बट फायदा उसमें आपका, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, तेरा घाटा अपन का कुछ नहीं जाता। गाना भी है ना बड़ा अच्छा सा है ना, मैंने भी अभी रिसेंटली सुना है, किसी आपके से प्यारे बच्चे ने भेजा, कह रहा सर गाना सुनो, मैं अच्छा क्योंकि मैं गाने को ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, मैं भाई थोड़ा किशोर कुमार टाइप का आदमी, ठीक है तो पुराने गाने सुनते अपने यार हैं। चलो भाई, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डन। अब मेरी बात सुनो, या इसको मैं लिख सकता हूँ और यानी कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, लिख सकते हैं लिख सकते हैं, डन। इसका मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कॉस फोर थीटा है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी जी लिखा जा सकता है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। अब बताओ इस क्वेश्चन में अननेसेसरीली मैं थीटा को पुट करके क्यों करूं। चलिए तो आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी मेरा 1, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा प्रश्न है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। करिए जरा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, करो प्लीज फटाफट, ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, मैं कहूँ कि 40 सेकंड से ऊपर का समझाने, मुझे 1.5 मिनट से ऊपर नहीं लग रहे तो आपको कैसे लगेंगे, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को प्लीज। देखो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो सिलेंडर कैसे होता है अपने पास, ये रेडियस है और ये हाइट है, ठीक है जी। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, एरिया ऑफ बेस, बेस पे क्या अपने पास बेटा एक सर्कल आर, तो कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अपन लिखूंगा मैं एरिया ऑफ इट्स बेस, वो किसमें है भाई 5 टाइम्स, तो 5 अपॉन 1, सो 2 पाई आर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर 5 अपॉन 1। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, रेडियस टू हाइट, देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये, 2 एच अपॉन आर इजिकल टू 5 अपॉन 1, और इसे कैसे लिखेंगे आप, एच अपॉन आर 5/2, बताओ। इस क्वेश्चन में मेन से जैसा क्या है, किसका पूछा है, रेडियस टू हाइट, तो 2:5 सॉरी, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा आर अपॉन एच, वो कितना 2/5। अब बताओ यार इसमें मेन से जैसा क्या है, कुछ भी तो नहीं है आजकल मेन्स ना, वो मेन्स नहीं आ रहा कि भैया बहुत तगड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी देखो, जैसे इसमें गैस में 2 फॉर्मूले पूछ लिए तो हो गया मेंस का क्वेश्चन, 3 पूछ लेते टोटल का, टोटल एक बार क्वेश्चन आया था टोटल सरफेस एरिया अपॉन आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो दिया था, आपसे वॉल्यूम पूछी थी, हाइट और मेरे ख्याल रेडियस का कुछ रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा रहे हैं, मेरा मेरा क्वेश्चन कराना मोटो नहीं है, मेरा मेन मकसद ये बच्चों कि आप लोगों को लेवल दिखा दूँ कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द एग्जाम, खासकर मेंस का। प्री का तो ठीक है, सबको लगता है कि हल्का सा पेपर है कर लेंगे, बट मेंस का भी ऐसा ही पेपर है मिला जुला, एक आधा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अगर मैं बोल दूँ चलो मुश्किल है कोई बात नहीं, वो हर पेपर के होने भी चाहिए, मैं कह रहा हूँ 10 होने चाहिए,
ताकि जो बच्चों क्वालिटी का पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, उसे फ़ायदा होना चाहिए। समझ लो कि जो बच्चा 1.5 साल से लगा उसका फ़ायदा होना चाहिए भाई, मैं तो खुद कहता हूँ। तो अच्छा पेपर सेट होगा तो सबको फ़ायदा होगा भाई, ठीक है। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपको दिया है इफ 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/2 फाइंड एक्स, बताइए कितना होगा। देखो एक बात तो कंफर्म समझ लो, एक्स आपका 1 नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो अपॉन वाली टर्म्स है ना, कभी 1 नहीं आएंगी, तो बी तो वैसे ही खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो ये वाली जो टर्म्स है ना, ये छोटी होंगी, 1 अपॉन समथिंग है, मतलब एक को कुछ डिवाइड करा जो कि एक से बड़ा है, क्योंकि 1 प्लस समथिंग डेफिनेटली बड़ा होगा। समझो क्वेश्चन को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच इज दैट यू कैन इजी योर क्वेश्चन और कैन इज नाउ योर क्वेश्चन बाय योर ऑप्शन ऑल्सो। रीजन, मैं अगर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस इसकी बात करूं, बेटा देखो 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग है, तो डेफिनेटली 1 प्लस समथिंग है तो 1 से बड़ा होगा, तो 1 अपॉन समथिंग हो गया, डन। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ना आपकी ग्रेटर देन 1 है, तो आपका आंसर 1 से छोटा भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन बचा ये और ये, आप मुझे डिफाइन कर रहे हैं दोनों से आंसर कौन सा है। सपोज करो अगर ये भी आंसर मेरा 1 से छोटा होता, मैं लगा देता भाई काट के सीधा ऑप्शन नंबर सी, वो तो अच्छा है SSC का भला हो कि इन्होंने चलो दे दिया कि क्वेश्चन सॉल्व करा ले, बट मेरे जैसा हो मैं तो 15/13 लगा के आ जाऊँ। समझ आ गई बात, क्योंकि 14 के लिए मुझे 7 चाहिए, 7 मेरे पास कहीं से नहीं बढ़ेगा, बट मेरे पास 5 है, मुझे पता है 5 का मल्टीपल आ जाएगा, मैं 15 लगा दूंगा। समझ लो थोड़े थोड़े लॉजिक्स हैं, बट ये लॉजिक प्रैक्टिस के बाद ही समझ आएंगे, ऐसे मैं बोल दूं कि हो जाएगा नहीं होगा। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो कितना दिया है, 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/2। चलो इसको ना ये ब्रैकेट वाले को अलग से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये कितना है, 1 प्लस 1/5 प्लस 1/2, तो ये कितना हो, 1 प्लस 1/10 प्लस 1/2, ठीक है बेटा। तो ये कितना है, 1 प्लस 2/11, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया, 13/11, क्योंकि इसको जब मैंने सॉल्व किया कितना गया, 13/11, ठीक है जी। सो 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/13/11 लिख सकता हूँ इसे मैं, यस और नो, कि अभी मैंने इसको सॉल्व किया, एक मिनट, 1 प्लस, चलिए जी, तो ये कितना आ गया मेरे पास। चलो देखो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया मेरे पास, 2 माइनस 11/13 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना रहा मेरे पास, 26 माइनस 11/13 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15/13 ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गई बात, तो थोड़ा सा ध्यान दो कि मल्टीपल कैसे निकल सकता है, 5 दिखा मुझे हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। तो दीज आर सम फैक्ट्स जो क्वेश्चन से काम आता है, प्लीज नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, आसान था क्वेश्चन काफ़ी। चलो क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2,4,251/2 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रेडियस। सो पाई की वैल्यू यूज करने वाले 22/7, करो क्वेश्चन ट्राई कीजिए शाबाश। तो जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन कराया ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑप्शन को देख के काम करो ताकि आप लोगों को पता भी चले। और अगर एक्चुअली में क्वालिटी का ऐसे ही पढ़ रहा ना, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं माइक्रो कोर्सेज के अंदर जाओगे तो आपको पता भी चलेगा, क्लियर होगी बात। चलिए करिए जरा इसको। देखो हेमिस्फीयर कैसा होता है, आर और आर, डन।
सो 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल, देखो ये कितना हो गया 48 सौ 50 51 4851 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हुआ 2/3 तो 22/7 इंटू आर का क्यूब इज इक्वल टू 4851 बटे 2। तो क्या ये कर सकते हैं 11 से, देखो 11 दुनी 22 मुझे तो लग रहा है, 11 चौके 44 और 1, तो ये कितना गया आर क्यूब कितना हो गया मेरे पास, देखो ये आ गया 21 गुना 21, क्योंकि 441 को मैं क्या लिख सकता हूँ 21 का स्केल, इजंट इट, यस। और ये कितना है मेरे पास 7 × 1 = 21, ये बन गया क्या 7 × 21 बना, यस से यस यस, अपॉन 2 × 4 × 8, तो ये एक्चुअली क्या बना मेरे पास 21 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, तो ये कितना बना 21/2 का क्यूब, यानी कितना गया 10.50, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में सिवाय कटिंग के, सिवाय सिंप्लीफिकेशन के कुछ भी नहीं था, मैंने जैसे सिंप्लीफिकेशन किया ऐसे करोगे तो कभी पेपर में मार नहीं खाओगे, कन्फर्म है, लिख के दे सकता हूँ। रीज़न क्या है इस बात का, रीज़न ये है कि मैंने क्या किया, मुझे दिखा यहाँ पे क्यूब, मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ पे क्या दिखा बेटा, मुझे दिखा आर का क्यूब और आंसर मेरे बिना क्यूबिक मीटर के, मतलब सॉरी कि बिना क्यूब रूट के, और क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन वर्ड का भी यूज़ नहीं कर रखा, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो मेरे ऑप्शंस है ना उसमें प्रॉपर एक क्यूबिक वैल्यू बनने वाली है। तो जहां पे मुझे 441 दिखा मैंने उसको लिख दिया 21 का स्केयर, नेक्स्ट मुझे क्या पता चला कि 7 × 3 भी 21 होता, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया 21 का क्यूब, यहां पे पता 2 बचा है, 2 यहां 2 यहां, तो 2 का क्यूब 8, तो 21/2 इज द राइट आंसर। समझ आ गई, मैं तो लिख के बता दिया, जब यहां पता चल जाए स्केयर है ये क्यूब है जो 1 है तो 21/2 सीधा 10.5 आंसर, इतना टाइम किसके पास है कि क्यों भी लिखता फिरेगा पेपर में या लिखेगी। समझ आ गई बेटा बात मेरी, यस और नो? तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी देखनी है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस है आपके, देखो द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन ग्राउंड लेवल इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज, करिए क्वेश्चन, ट्राई टू मेक अ सेंस, करो शाबाश। कम ऑन ट्राइट, ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, 10 × √3 + 1, 10 √3 5 √3 5 × √3 + 1, जब 30 डिग्री का जिक्र आ गया तो डेफिनेटली √3 तो आना ही आना है, समझ रहे हो आप भी, बट आई एम ट्राइंग टू से यस 10 30 डिग्री का यूज होगा इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या है, एक टावर है भाई, उसकी कोई शैडो बन रही है यहाँ पे, डेफिनेटली 45 डिग्री बड़ा होगा तो पास भी होगा टावर के, जितने दूर जाते जाओगे उतना एंगल छोटा होता जाएगा, ये भी याद रखना ज़रा, 30 डिग्री मैंने बोला ये अच्छा है। ठीक है, द हाइट ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर इंक्रीजेस बाय, इसका मतलब ये कितना होगा मेरे पास 10 मीटर, डन, नाम दे दे ए बी सी डी, ठीक है जी ए बी सी डी। मैंने बोला इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले थोड़ा ट्रेडिशनल वे से चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ये 90 डिग्री हो गया अपने पास, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, यानी कितना एच अपॉन बी सी, 10 45 बनो तो बी सी भी इतना गया मेरे पास। आगे से ध्यान रख लो जब भी 45 डिग्री दिखे ना 1 1√2 होता है, ये बात ध्यान रख लो। समझ आ गई बात, ध्यान रख लो आगे से, डन, देखो इसका मतलब ये कितना हो गया एच हो गया मेरे पास, तो मैं पूरा बी डी कितना कह सकता हूँ 1 + 10 बोल सकता हूँ। नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी
tan 30 degree is equal to AB upon BD, यानी कितना अपॉन H अपॉन H प्लस 10, डन। तो ये होता है भाई 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन H प्लस 10, ये आ गया। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट करो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। चलिए, अगर ये है तो कितना होगा मेरे पास, √3H इज इक्वल टू एच प्लस 10। तो अगर मैं यहाँ पे ले कहता हूँ √3H माइनस एच इज इक्वल टू 10, तो H इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो H कितना आ गया 10 अपॉन √3 माइनस 1, H इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस 1। तो चलिए ऊपर वाला थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है, और होपफुली आप सबने नोट भी कर लिया होगा। सो देखो, अब मेरे पास ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, एज इज इक्वल टू 10 अपॉन, इसको हम कर देंगे रैशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास हमेशा यहाँ पे 1 है। रैशनलाइजेशन करने का फ़ायदा क्या हुआ, तो अगर मैं बात करूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इज दैट क्लियर। सो ये कितना बन गया 10 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन गया 2 और 5, तो आंसर इज 5 इंटू √3 प्लस 1। समझ आ गई बात, नोट कीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो देख रहे हो अप्रोच चीज़ क्या लग रही है, अगर 30 के लिए लिखना हो तो ये लिख लो भाई, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा, √3 वाला बड़ा होगा, √3 60 के अराउंड होगा, 30 के ऑपोजिट 1 होगा, और ये यहाँ भी तो ये हो रहा। देखो अगर मैं H की बात करूँ, H मेरा 1 है, तो ये कितना है H प्लस 10 में ना कितना है √3 प्लस 1, तो थोड़ी छोटी चीज़ें कराऊंगा, जितना हाइट एंड डिस्टेंस, तो बड़ा मज़ा आएगा। आप कहोगे सर ये का मजाक चल रहा है, बट उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री भी जल्दी करेंगे, चिंता मत करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होपफुली क्लियर ही होगा। चले भाई, आ कंटेनर 20 लीटर मिक्सचर इन दिस वेयर 10% ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन इट टू मेक द सोल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ जरा क्या आंसर है इसका, प्लीज बताइए आंसर क्या है इसका। कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर मिक्सचर इन विच 10% सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मेरे को क्या दिया, 20 लीटर इसे 10% आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, चलिए 2 लीटर हुआ, डेफिनेटली 80% क्या होगा मेरे पास, वाटर, जो कि कितना होगा 18 लीटर होगा, 10 लीटर 18 लीटर, सॉरी 90 नॉट 80 क्योंकि ये 10 है। तो मेरे पास जो 90% होगा वो क्या होगा H2O, और वो होगा कितना मेरे पास 10% ही बोला ना, यस 1080 के हिसाब से ले लिया था मैंने। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड टू मेक द सोल्यूशन कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सीधी सी बात है, क्यों बताऊं भाई, खुद भी ट्राई कर लो, सारे मैंने बताए जाने क्वेश्चन। हाँ भाई, हाँ कपिल जी भिवानी से आए शायद, है ना मिस्टर कपिल। तो वो बड़े अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं आजकल के, सर समझ आ रहा है, चलो अच्छी बात है, अब कमेंट्स भी आने शुरू हो गए आपके, मिस्टर अमित ने भी कमेंट किया हुआ था। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक तो करना ही करना, शेयर करो जितना ज़्यादा कर सकते हो, पता चलना चाहिए यार, आप जैसे बच्चे जुड़ेंगे ना। देखो सन्नी सर जब ये हैं जब आप जैसे बच्चे हैं, अभी पीडिया जब ये जब आप जैसे बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज हमारा क्या काम है बताओ। और माइक्रो कोर्स जब ही है जब आप लोग उसे लोगे, जब आप लोग उसे ट्राई करोगे, जब आप लोग ट्रायल करोगे, जब आप लोग इंक्वायरी का नंबर छोड़ोगे,
फिर पता चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ यार, लेना है 2,000, 2,500 में, 1,500 में कहीं से भी कोर्स ले लीजिए, आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं है यार। बट एक बात बताओ, क्या वहाँ पे वो क्वालिटी प्रोवाइडेड होगी? जब 10,000 बच्चा जुड़ रहा है तो किस किस की क्वेरी लेंगे? बट यहाँ पे जो आपने माइक्रो खरीदा ना, उसकी क्वेरीज होंगी। आपका ग्रुप बना है, उसमें बैठ हो गया, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए उसको, डालिए, डेफिनेटली आपको विदिन 24 आवर, विदिन 12 आवर, विदिन 6 आवर, जैसा कंफर्टेबल होगा आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ना मिले तो बताना। और बताओ, अब इससे ज़्यादा गारंटी तो नहीं ले सकता भाई, क्योंकि हमें ही पता यार हमने क्या करवाया हुआ उसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरे पास। हाँ देखो, सेकंड क्या मेरे पास, सपोज करो 100% है, तो वो कह रहा है H2SO4 आपका कितना होना चाहिए, 25%, और वाटर कितना होना चाहिए, 75%। देखो अगर मैं एक बात बोलूँ आपको, इसको काट दो जरा, ये 1 है, ये 3 है, तो पूरा कंटेनर कितना होगा, 1, 3 और 4 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 25% सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा आप एक बात बताओ सिंपल सी मुझे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक कॉन्स्टेंट मतलब नो चेंज, वो क्या है, वो क्या है जो नो चेंज हो रही, सल्फ्यूरिक एसिड चेंज हो रहा, तो ये मेरा वाटर है वो नहीं चेंज हो रहा। सल्फ्यूरिक एसिड तो ठीक है, मेरा चेंज क्या नहीं हो रहा, मेरा वाटर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर 3 यूनिट ऐसी वैल्यू कितनी होगी, 18 लीटर, कितने गुना, 6 गुना, तो टोटल में कितना हुआ, 6 लीटर, यानी कितना हुआ, 24 लीटर। इसका मतलब पहले 20 था, कितना होगा, 24, कितना ऐड हुआ, प्लस 4 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी, यही तो आंसर सही था मेरा। समझ आ गई? तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इनमें, बस कॉन्स्टेंट वैल्यू देखो और ठा करके आंसर लगाते रहो। समझ आ गई बात? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलो भाई, अब एक बात सुनो, ऐसा क्वेश्चन मैंने जिसमें पहले भी कराया था और रिसेंटली भी कराया। द एवरेज ऑफ किशोर, हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 6 ईयर अगो वॉज 38 ईयर्स, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 8 ईयर अगो वॉज 32 ईयर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। बताओ 50, 48, 52 या 55, 52 वैसे सही दिया होगा, चेक करो क्या सही भी है। देखो द एवरेज एज ऑफ किशोर प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, 3, कितने, सबसे पहले 38 ईयर, अच्छा तो किशोर प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड कितने साल के होंगे, 38 गुना 3, यानी कितना, 114 ईयर, 114 साल, डन। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, कितने साल पहले हैं, 6 ईयर अगो, अगर मुझे प्रेजेंट एज चाहिए तो इसको भी 6 ऐड कर दूं, इसको भी 6 ऐड कर दूं, इसको भी 6 ऐड कर दूं, मतलब 18, यानी अभी प्रेजेंटली कितने साल के हैं, 132 साल के हैं, बिल्कुल। अब वो क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड चाइल्ड 8 ईयर को, यानी वाइफ प्लस चाइल्ड डिवाइडेड बाय 2 कितने साल के हैं भाई, 32, यानी वाइफ प्लस चाइल्ड कितने, 64 ईयर, कितने साल पहले, 8 साल पहले, यानी 8 साल के बाद, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 16, तो ये कितना होगा, 80 ईयर, यानी प्रेजेंटली वाइफ प्लस चाइल्ड कितने साल के, 80, अगर ये 80 साल के हैं, यानी किशोर प्लस 80 इज इक्वल टू 132, किशोर कितना आ गया, 132 माइनस 80 इज इक्वल टू 52, तो ऑप्शन नंबर सी 52 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, इज दैट क्लियर, इजंट इट। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इन द गिवन फिगर एंगल डी बी सी 65, ए बी सी 35 एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल ई सी डी। चलो प्लॉट कर लें जरा एक बार इसको, कौन कौन सा एंगल दिया मुझे।
इन द गिवन फिगर एंगल डी बी सी ये वाला एंगल कितना दे बच्चों मेरे को, तो स्टूडेंट ए सी 65 डिग्री, ठीक है। बी ए सी ये कितना दिया मुझे 35 डिग्री। ए बी इजिकल टू ए सी, देखो ए बी इजिकल टू बी सी। देखो किसी भी ट्रायंगल में मेरे पास बेसिक प्रॉपर्टी क्या, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो मेरे पास साइड्स इक्वल है ना तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। मेरे को कौन सा एंगल दिया है, ए बी इजिकल टू बी सी, यानी ये दोनों एंगल सी एट बराबर होंगी, तो ये एंगल किसके बराबर आ गया 35 डिग्री, इज इट यस और नो। चलो अच्छा और क्या दिया हूँ भाई मेरे को एंगल ई सी डी। अच्छा एक बात बताओ मेरे पास क्या हो सकता है, एंगल मेड बाय कोड इन अदर सेगमेंट आर इक्वल। यानी अगर मैं बात करूं आपसे, देखना जरा ध्यान से, कलर चेंज करते हैं जरा इसका, देखो मैं बात करूं ये विजिबल, यस। अगर मैं सी बी की बात करूं, देखो सी बी ने यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाया 35, तो क्या सी बी और कहीं मिल रही है, यस सी बी कहाँ मिल रही है मेरे पास यहाँ पे, तो एंगल भी कितना होगा 35 डिग्री। सिर्फ इतनी सी बातें समझने वाली और इस क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ मार खानी था, डन। सो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी बिकॉज एंगल मेड बाय सेम कोड। लो आपके लिए इतना भी लिख दिया मैंने, समझ आ गया, एंगल मेड बाय सेम कोड। अब मेरे पास क्या, देखो इंटर एंगल बी डी सी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री, तो थीटा ले लो, यानी 65 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस थीटा प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 35 70 135, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी यही तो सही था। अब बताओ इससे सुंदर एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है इस क्वेश्चन की, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन बट थोड़ा सा लॉजिकली वे में सोचा हुआ क्वेश्चन, डन। ऐसे ही सारी चीज़ें माइक्रो कोर्सेज में मिलेंगी बेटा आपको स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी देर मत लगाओ, 6 मिनट का ट्रायल ले लो अभी के भी, मैं तो कह रहा हूँ ठा करके ले लो, रीज़न अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। अगर आज नहीं लोगे, आज से तैयारी शुरू नहीं करोगे तो जुलाई में क्या मुंह दिखाओगे भाई साहब, कैसे करोगे काम? अगर अभी तैयारी नहीं करोगे तो जुलाई में आने वाले पेपर में क्या करोगे, पेपर में बैठ के सोच के देखो, एक बार सोच के देखना मिरर में कैसे फेस करोगे अपने आपको। अगर ये 2 महीने ढंग से लगा लेने बेटा पूरी जिंदगी सफल हो जाओगे, याद रखना 2 महीने ऐसे पढ़ लो मेरे साथ, मैं बता रहा हूं 2 महीने माइक्रो कोर्सेज कर लो, कन्फर्म है पेपर क्लियर होगा, बहुत सारे बच्चों का हुआ है। बट लो वो चीज जो आपको नहीं आती, वो चीज लेनी है जो आपको नहीं आती, मैं अभी भी कह रहा हूं वो चीज कभी मत खरीदो कि क्या होगा कुछ एक्स्ट्रा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला मैं बता रहा हूं, बट वो चीज जरूर ले लो जो आपको नहीं आती, मैं अभी बता रहा हूं आपको, फायदे में रहोगे, समझ रहे मेरी बात। चलो अब मैं बता देता हूं माइक्रो कोर्सेज का कॉन्सेप्ट क्या बेटा, व्हाट इज माइक्रो कोर्स या माइक्रोवर्स, अगर मैं आपको बात बताऊं माइक्रो कोर्सेज का फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। जैसे सपोज करो आपको कोई चैप्टर नहीं आता, जैसे प्रॉफिट लॉस नहीं आता, तो प्रॉफिट लॉस ही लो ना सिर्फ पूरा, व्हाई शुड यू हैव टू बाय फॉर कंप्लीट कोर्स, पूरा कोर्स मैं अभी भी कह रहा हूँ 2025-1500 में कहीं भी कोर्स मिल जाएगा, बट वो सिंगल हैंडेडली आपको हैंडल नहीं करेंगे, कन्फर्म है वो आपकी क्वेरी सो नहीं लेने वाले, बट मैं यहाँ पे एक बच्चे क्वेरी लेता हूँ हमेशा, चाहे 2 दिन बाद आए नंबर आता जरूर है, बहुत सारे बच्चे हैं भैया आप, अब क्योंकि बड़े सारे 500 क्वेरीज आगे एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, और भी तो अकेडमिक से काम है, जैसे आपके लेक्चर बनाना भी, पीपीटीज पे काम करना, बहुत सारा काम होता है, समझ रहे बात, मेरी टीम तो मेरी बना देते बट फाइनलाइज तो मुझे ही करना है, तो ऐसे बहुत सारे काम है, नंबर जरूर आता है, हर बच्चे की खबर ली जाती है यहाँ से, समझ आ गई बात। सो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए, 6 मिनट का ट्रायल भी बता रहा हूँ मैं, अब इसके अंदर क्वालिटी क्या मिल रही है आपको मैं बता देता हूँ ज़रा, चलिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बेटा आपको, ठीक है। जैसे ही मैं बात करूं, आई हैव टू गो फॉर सिविल सर्विसेज, नहीं मेरे को जाना है एसएससी पे,
चलिए नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू चूज माइक्रोवर्स या माइक्रोकोर्स। देखिए यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। तत्पश्चात है उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे जनरल स्टडीज़ हैं 8 माइक्रोकोर्स 1 बंडल, 1 बंडल ऑफर, और बताओ ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ज्योग्राफी इंडियन पॉलिटी 450 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा, इकोनॉमी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, सबसे मुश्किल इकोनॉमिक्स लगता है, 10 लेक्चर से अब सिर्फ और सिर्फ 197 का। जनरल साइंस की बात करूँ 332, आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ 158, इन्वायरमेंट की बात करूँ 133, अदर 357, करंट जी के देखो उसने बोला है 18 माइक्रोकोर्स 1 बंडल ऑफर, कितने रिसोर्सेज हैं 12,224, 12,224 इट्स मोर देन सफिशेंट ठीक है। कंप्यूटर जी के क्वान्टी 45 माइक्रोकोर्स 1 बंडल 12,642 को आपके पास रिसोर्सेज हैं। जैसे लॉजिकल जैसेज की बात करो 4,758 का पूरा मत लीजिए, बट मिक्सचर एंड एलिगेशन 122 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नंबर सिस्टम 158 ले सकते हैं, सिंपल लेटर 70 ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 250 ले सकते हैं, एवरेज 97 ले सकते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस 111 ले सकते हैं, परमानेंस कॉम्बिनेशन 5 रुपये। तो ऐसे करके हर एक कोर्स का, हर एक चैप्टर का अलग से आपके सिलेक्शन आप कर सकते हैं, क्लियर। सो प्लीज़ शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो, जब भी आप जैसे बच्चे जुड़ेंगे और फिर मज़ा भी आने वाला है। नाम रोशन करो यार, अपने माता पिता का एक गौरवित महसूस करवाओ, समझ रहे। जो आज पूछ रहे हैं ना कि आपका बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर, तैयारी सबसे अच्छा मौका है, आज तैयारी कर लो, खुद बता देंगे बच्चा इंस्पेक्टर लग गया है, हमारी बेटी सिलेक्ट होगी जी इनकम टैक्स में, एक्साइज में, जहाँ आप चाहो, ऑडिटर लगी है बेटी, बेटा लग गया जी कस्टम में। सोचो कितना गौरवित महसूस होगा यार उनको, एक अलग सा मतलब अलग सा चाम होगा, समझ रहे। मैं देखता हूँ यार कोई किसी के पिताजी किसान हो, बन के जाता खेत में चला हुआ है ड्रेस पहन के, देखिए अभी थोड़ी देर पहले में, मतलब कितनी प्राउड मूवमेंट है यार उस पिताजी के लिए, उस माता के लिए प्रणाम है, छत प्रणाम है, जो अपने बच्चों को, और ऐसे ऐसे बच्चों को भाई सलूट है मेरी तरफ से, जो इतना प्राउड महसूस करवाते हैं अपने आपको। तो आपके पास ही मौका है, ज़्यादा नहीं, 2 महीने अच्छे से पढ़ लो, फिर देखो यार क्या कमाल होता है। चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे और माइक्रो कोर्स से फोकस करेंगे, मैं सनी भोसले मिलता हूँ इसके पार्ट 3 में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।